शहर में दूषित पानी की आपूर्ति और शिकायत से परेशान जन स्वास्थ्य विभाग अब नालियों से गुजर रही पाइपलाइन को लेकर सख्ती बरतने जा रहा है। चेतावनी के बाद यदि शहर के लोगों ने नालियों के ऊपर या नाली के नीचे से पाइपलाइन नहीं हटवाई तो कार्रवाई की जाएगी। आगरा शहर में दूषित पानी की आपूर्ति और शिकायत से परेशान जन स्वास्थ्य विभाग अब नालियों से गुजर रही पाइपलाइन को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। बता दें कि विभाग ने पहले चेतावनी दी और अब इनके खिलाफ कार्रवाई पर अमल कर रहा है। दूषित पेयजल आपूर्ति संबंधी परेशानी पर जलकल विभाग के जेई रंजीत सिंह ने बताया कि कई बार मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को समझाया गया कि जिन लोगों की पाइपलाइन नालियों के नीचे या ऊपर से होकर गुजर रही है वो अपनी पाइपलाइन को ठीक करा लें, जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद दूषित पानी की आपूर्ति घरों में न हो। जेई रंजीत सिंह ने कहा कि चेतावनी के बाद भी लोगों ने पाइपलाइन नहीं हटवाई है, जबकि उनका विभाग इस संबंध में जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहा है। नाली खरंजों का संबंध तो जलकल विभाग से नहीं है, वो उसका संबंध नगर निगम से संबंध है। नालियाँ टूटी हुई हैं, जिसके कारण ओवरफ्लो चल रही हैं। कुछ समस्याएं ऐसी भी आती हैं जहाँ पे लोगों के कनेक्शन नालियों से होके गुजर रहे हैं, और लोगों को बता दिया जाता है और पेपर में भी बार बार उसकी सूचना निकलती है हर महीने, लेकिन लोग जागरूक नहीं है कि वो नालियों के होते हुए उन्हें शिफ्ट करा लें। लोग शिफ्ट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से पानी गंदा उसके थ्रू, मतलब कनेक्शनों के थ्रू, जो डैमेज कनेक्शन है उनके थ्रू चला जाता है पानी की लाइन में। जब पानी की लाइन में चला जाता है तो वो गंदा पानी नलों के थ्रू बाहर उन्हीं घरों में जब सप्लाई के दौरान मिलने लगता है। एक ऐसी स्थिति है, बड़ी विचित्र है, ना तो हम लोग ट्रेस कर पाते हैं इसको, ना समझ पाते हैं, क्योंकि जो कनेक्शन डैमेज है वो गंदी नाली के अंदर बंद है। लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ आपने स्कीम वगैरह चलाई है, लोग जागरूक हो रहे हैं? अभी स्कीम चल रही है, हम लोगों ने जल बचाओ अपने यहाँ कुछ पोस्टर लगा रखे हैं, और लोगों में प्रचार भी कर रहे हैं इस चीज़ का कि अपने जो भी पानी है उसको कम से कम यूज़ करें, क्योंकि एक चैनी शहर है, अपने सुना होगा वहाँ पे 200 फुट तक पानी खत्म हो चुका है। डीजी माजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।